मेन डिफरेंस बिटवीन द हैमर एंड हैंगिंग मैन कैंडल, जो हैमर कैंडल होती है वो हमेशा आपको बॉटम ऑफ द चार्ट में मिलेगी, और ये एक बुलिश कैंडल रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे हमें क्या रिप्रेजेंट होता है कि प्राइस नीचे आ रहा था, नीचे आते आते यहाँ से बायर्स ने चार्ट ले लिया और प्राइस को ऊपर ले गई और एक अच्छी खासी विक बन गई नीचे। तो इसका मतलब ये क्या है कि अब मार्केट यहाँ से नीचे आने की जगह यहाँ से एक टॉप बॉटम बना के यहाँ से एक ऊपर जा सकती है। तो जो हैमर कैंडल होती है वो एक बुलिश कैंडल होती है, हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ से मार्केट ने एक बॉटम बना ली और यहाँ से ऊपर प्राइस कैन गो अप। उसके ऑपोजिट जो हैंगिंग मैन कैंडल होती है वो बेरिश कैंडल होती है, ये रिप्रेजेंट करती है और ये हमेशा आपको टॉप पे मिलेगी, टॉप ऑफ द चार्ट पे मिलेगी, और ये रिप्रेजेंट करती है कि प्राइस ऊपर जा रहा था बट यहाँ पे बायर्स ने पोज ले लिया और सेलर्स ने मार्केट को कंट्रोल में ले लिया और यहाँ से प्राइस नीचे आ सकते हैं। तो हैंगिंग मैन एक बेरिश कैंडल होती है, हमेशा आपको टॉप ऑफ द चार्ट में मिलेगी, और उसके ऑपोजिट हैमर एक बुलिश कैंडल होती है और ये रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट ने बॉटम बना लिया, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, और हैंगिंग मैन ये बताती है कि मार्केट ने एक टॉप बना लिया।